बराए रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं इस्लामाबाद दफ्तर खारजा के, जहाँ चीनी वजीर खारजा दफ्तर खारजा पहुँच चुके हैं। पाकिस्तानी वजीर खारजा ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। बराए रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले चीनी वजीर खारजा पाकिस्तान पहुँचे हैं और दफ्तर खारजा वो पहुँच चुके हैं। पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। चीनी वजीर खारजा दफ्तर खारजा पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनका इस्तकबाल किया है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी चीनी हम मनसब के हमरा इस्लामाबाद में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। चीनी वजीर खारजा का ये अहम तरीन दौरा है और इस मुतालिक आज दीगर तफसीलात भी जैसे जैसे आएंगी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, अब से कुछ देर पहले चीनी वजीर खारजा पाकिस्तान के दफ्तर खारजा पहुँचे हैं। जब वो गाड़ी से उतरे हैं तो पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनसे मुसाफा किया है, पुरतपाक अंदाज में उनका इस्तकबाल किया है और आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चीनी वजीर खारजा अपने टीम के साथ पाकिस्तान के दफ्तर खारजा पहुँच गए हैं। चीन के वजीर खारजा पाकिस्तान के दफ्तर खारजा पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। जब वो गाड़ी से उतरे हैं तो बहुत जोशीले अंदाज में उनसे मुसाफा किया और उनको खुशामदीद कहा। बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले चीनी वजीर खारजा पाकिस्तान के दफ्तर खारजा पहुँचे हैं, अपनी गाड़ी से उतरे हैं और उन्होंने मुसाफा किया है पाकिस्तान के वजीर खारजा से। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है, जोशीले अंदाज में गर्म जोशी के साथ उन्हें वेलकम किया है, उन्हें खुशामदीद कहा है। अब दोनों रहनुमा दफ्तर खारजा के अंदर जा चुके हैं और अब बाकायदा उनकी मुलाकात होगी और मुज़ाकरात होंगे, मुख्तलिफ उमूर पे मुशावरत होने जा रही है। आज तीन चार अहम मुलाकातें हैं, पहले पाकिस्तान और चीन के जो डेलीगेशंस हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात होने हैं। उसके बाद जब ये मुज़ाकरात हो जाएंगे, अफगान वजीर खारजा भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, फिर ट्राइलेटरल यहाँ पर इंगेजमेंट्स होनी हैं, उसमें अफगान सिक्योरिटी से मुतालिक चीज़ें ज़ेर बहस आएंगी। उसके बाद सी पैक से मुतालिक और उसके अहम मंसूबों से मुतालिक भी बातचीत होगी, लेकिन पहले आज जो मुज़ाकरात होने हैं वो बायलेटरल सतह के हैं, जिसमें चीनी वजीर खारजा और पाकिस्तानी वजीर खारजा की वन ऑन वन मुलाकात भी होगी। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होने हैं। इसी सिलसिले में चीन के वजीर खारजा आज पाकिस्तान पहुँचे हैं। ये पाकिस्तान का उनका पहला दौरा है। चीन के नए वजीर खारजा के तौर पर वो तैनात हुए हैं और जैसे ही वो नए वजीर खारजा बने हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है। आज ये अहम मुलाकात होने जा रही है और इस अहम मुलाकात के अंदर तवीलुल मुद्दती चीज़ों को ज़ेर बहस लाया जाएगा और दीगर जो पाकिस्तान के और चीन के बरादराना ताल्लुकात हैं और ख़त्ते की सूरत हाल को ख़ास तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं ख़त्ते के लिहाज से। कल एससीओ समिट भी हुआ भारत के अंदर, जहां पर चीनी वजीर खारजा मौजूद थे, पाकिस्तानी वजीर खारजा भी मौजूद थे और आज वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा पहुंच चुके हैं और चीनी वजीर खारजा का पुरतबाक अंदाज में इस्तकबाल किया गया है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि चीनी वजीर खारजा जब अपने गाड़ी से उतरे हैं तो पाकिस्तान के वजीर खारजा अपने अमले के साथ, अपने ऑफिशल्स के साथ पहले से उनका इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही उनकी गाड़ी वहाँ पहुँची है तो पुरतपाक इस्तकबाल उनका किया गया है। सीनियर रैंक पर्सन शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद बात करेंगे। शौकत पराचा, फाइनली चीनी वजीर खारजा दफ्तर खारजा पहुँच चुके हैं और बिलावल भुट्टो पहले से अपनी टीम के साथ वहाँ मौजूद थे, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। कितनी अहम मुलाकात है, ज़ाहिर खत्ते में बहुत सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं और इस तनाजुर में बताइएगा। जी हाँ, बहुत ही अहम ये अराइवल है, बहुत ही अहम मुलाकात है, क्योंकि कल भी ये दोनों वज़ीरे खारजा गोवा में थे भारतीय रियासत में और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी वाया कराची इस्लामाबाद पहुंचे और चीनी वजीर खारजा कल ही सीधे गोवा से इस्लामाबाद पहुंच गए थे। अब ये दफ्तर खारजा में थोड़ी देर के बाद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। वजीर मुमलिकत हिना रबानी खर, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, फिर सेक्रेटरी खारजा डॉक्टर असद मजीद खान और दीगर ऑफिशियल भी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मामनत करेंगे और इसी तरह चीनी वजीर खारजा चिन गोंग के साथ भी उनका एक हाई लेवल डेलीगेशन आया है।
और यहाँ पर सफारत खाने का जो चीनी सफारत खाने की सीनियर हुकाम है वो भी साथ बैठेंगे। खित्ते के हवाले से जो आपने बात की, बड़ी अहम बात आपने की, क्योंकि अफगान वजीर खारजा मुल्ला आमिर खान मुतकी भी इस्लामाबाद में है और अभी तो चूंकि दो तरफा बातचीत होगी बिलावल भुट्टो जरदारी और चीनी वजीर खारजा के दरमियान, लेकिन फिर से पैर को बाकायदा तौर पर ये तीनों वज़राए खारजा का एक इजलास है जो है ही इस खित्ते के तनाजुर में कि अफगानिस्तान के हवाले से जो जो हमसाया ममालिक के तहफात हैं उन पर भी बात होगी यकीनन। फिर अफगानिस्तान के अंदर जो इंसानी सूरत हाल है और दुनिया भर उसके बारे में फिक्रमंद है उस पर भी बात होगी, लेकिन दो तरफा मामलात के हवाले से मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूँ कि चूंकि ये पहला दौरा है चीनी वजीर खारजा चिन गोंग का पाकिस्तान का, तो इस हवाले से बड़ी अहम ये डेवलपमेंट है क्योंकि सी पैक के हवाले से BRI के हवाले से फिर पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की मुश्किलात में चीन की हुकूमत ने इन्हीं वजीर खारजा के आमद के बाद अभी कुछ हफ्ते पहले $2 बिलियन का रिजर्व उन्होंने पाकिस्तान को दिया, तो ये सारे मामलात हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान के अंदर सी पैक के जो मंसूबे हैं वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के हवाले से अहम है और एक नई जो डेवलपमेंट हो रही है कि काशगर से लेकर कोराकरम हाईवे जो बनी है उससे हट के अब एक रेलवे ट्रैक का एक मंसूबा है $58 बिलियन बताया जा रहा है, तो अगर वो मंसूबा आगे बढ़ता है तो ये अंदाजा करें $58 अरब का जो सर्कुलेशन है वो पाकिस्तान के अंदर होगा, तो कितनी बड़ी एक प्लानिंग है उसी को अब आगे बढ़ाया जाना है। देखते हैं आज ये दो तरफा तौर पर क्या फैसले होते हैं और फिर जब अफगानिस्तान के वजीर खारजा से पैर आकर इसी इन्हीं दोनों वजीर खारजा के इजलास में अफ्रीकी इजलास की शक्ल देंगे तो फिर इस खित्ते के तनाजुर में क्या अहमियत अख्तियार करती है आज की बातचीत, क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता है कि इसी तावन को एक्सटेंड किया जाए, अफगानिस्तान के रास्ते कॉरिडोर एक बने जो ट्रेड के लिए भी हो तवानाई के लिए भी हो। टैपी मंसूबा है यानी तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान गैस इंडिया गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, फिर एक कासा 1000 है जो कि ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान से 1000 मेगावाट बिजली वाया अफगानिस्तान पाकिस्तान आनी है जिसमें 700 मेगावाट पाकिस्तान के लिए होगा और 300 मेगावाट अफगानिस्तान के लिए। फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अगर सेंट्रल एशिया का रूट मिल जाता है तो सेंट्रल एशिया यानी उज्बेकिस्तान से आगे तो पूरी दुनिया पूरा यूरोप पाकिस्तान के लिए खुला है, वो मॉस्को भी जा सकते हैं वो दीगर ममालिक को भी जा सकते हैं और टोटल जलालाबाद से ताशकंद जो है वो 425 किलोमीटर है, आगे बहुत बहुत बड़ी शाहराएं हैं जो सोवियत दौर की बनी हुई है, तो एक खुशहाली का तरक्की का इलाकाई इंटेग्रिटी का एक ख्वाब है जो अब शायद चीन की लीडरशिप में पाकिस्तान की एक्टिव मामनत के साथ अफगानिस्तान में अमन आने की सूरत में ये अपने जो ख्वाब है वो पूरा होने जा रहा है। अच्छा शौकत साहब, बहुत सारे मामलात हैं जो डिस्कस होने हैं और चीनी वजीर खारजा चूंकि अभी कुछ अरसा पहले ही उनको तैनाती मिली है, ये वजारत मिली है और खित्ते के अंदर जो रीअलाइनमेंट हो रही है जाहिर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर आप क्या कहेंगे कि तीन ममालिक जो आज सैफ अफ्रीकी मुजाकरात होंगे, अफगानिस्तान खास तौर पर उसका मरकज़ होगा तो उनका पहला विजिट भी है, इस हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, रोशनी डालिएगा कि इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है क्योंकि सी पैक को भी तकरीबन 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अब से पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो चीनी मीडिया में खास तौर पर इस बात पे काफ़ी बात हुई कि सी पैक को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं और इसे दोबारा से इनिशिएटिव लिया जा रहा है। देखें, एक तो वजीर खारजा चिन गोंग सफारतकारी में नए नहीं है, ये चीन के एम्बेसडर थे तो इनका एक वसी तजर्बा है सफारतकारी का और सफारतकारी की जितनी बारीकियां और नज़ाकतें हैं ये उनको बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। इनसे पहले जो चीन के वजीर खारजा थे वांग यी, अब वो स्टेट काउंसलर हैं, वो जो पॉलिसी छोड़ के गए हैं उसी पॉलिसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि चीन की तो बड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है। रीअलाइनमेंट के हवाले से देखें ना, चाइना ने दुनिया में एक शिफ्ट किया है। ठीक है शौकत, इस मुतालिक आपसे आगे चल के मजीद भी बात करेंगे, फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। यहां आपको अपडेट करेंगे।